जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप जो घर बैठे खुद से एक NCL सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं बिहार सरकार का NCL सर्टिफिकेट, ये दो तरीके का होता है, एक भारत सरकार का और एक स्टेट का, यानी कि मैं बिहार का भी बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बिहार सरकार का NCL सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताएंगे, लाइव फॉर्म भर करके बताएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहिएगा वीडियो में ताकि एक भी स्टेप आपसे ना छूटे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस NCL सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए, जो है ऑनलाइन करने के लिए, कौन क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट का आवश्यक होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे चौक न्यूज पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा NCL ऑनलाइन करने के रिगार्डिंग में, ठीक है। और सिंपली से आपको नीचे आना है और नीचे स्लाइड कर करके आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर NCL सर्टिफिकेट, यानी कि इतना जो है डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है NCL सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, जो कि सबके पास इतना डॉक्यूमेंट नॉर्मली होता ही होता है, ठीक है। पहला हम बात करें तो आधार कार्ड है, दूसरा हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये तीनों तो आपको कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर आता है चौथा नंबर, आवेदक का शपथ पत्र, एक शपथ पत्र भी आपको लगने वाला है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से भरना है शपथ पत्र और कहाँ से डाउनलोड करना है। बिल्कुल आसान है ऑनलाइन करना, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आप खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। फिर अपना आता है अगला मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, इतना आपको लगेगा। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, सिंचित जमीन का प्रतिशत, यानी बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत, ये आपको नहीं डालना है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अगर उस पर आप टिक करेंगे तभी आपको ये अपलोड करना है, वरना टिक नहीं करेंगे तो आपको अपलोड नहीं करना है। ये जो बाकी छह डॉक्यूमेंट सात डॉक्यूमेंट है, ये आपको बस वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, और आपका बन करके आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं लेकर के आपको कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं क्लिक, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस वाले वेबसाइट पे लेकर के आ जाएगा, ठीक है। इस वाले वेबसाइट पे जैसे ही आ जाएंगे, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, यहीं से जो है सारा जातीय आवासीय NCL हो गया, OBC हो गया, सभी यहीं से अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, यहीं से आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली से आपको पहले जाना है ऑनलाइन आवेदन पे, यहाँ पे जाएंगे तो लोक सेवा पे जाएंगे, ठीक है। लोक सेवाएं पे जाएंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग आएगा, उस पर जाएंगे। फिर सामान्य प्रशासन विभाग पर जाएंगे तो यहाँ पे खुल करके आ जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, यही होता है NCL नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ में, ठीक है, यानी कि बिहार सरकार के आधार पर। और नीचे देख सकते हैं केंद्र सरकार के आधार पर है नन क्रिमिलियर, ठीक है। तो आपको जो भी बनवाना है आप वो बनवा सकते हैं। तो मेरे को बिहार सरकार वाला बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, एक आता है अंचल स्तर पर, एक आता है अनुमंडल स्तर पर, एक आता है जिला स्तर पर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला बार अगर आप बना रहे हैं, आप अगर न्यू है तो सबसे पहले आपको अंचल बनाना होगा। तो आपको सिंपली जो है अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अंचल स्तर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने में जो है इसका थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपके सामने में जो है इसका फॉर्म खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं फॉर्म 9 यहाँ पे आया है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर रहित। क्रीमिलियर रहित का मतलब हुआ नन क्रीमिलियर, ठीक है। प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करना है, ठीक है। और हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपको किस तरह से भरना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है? यहाँ पर जो न्यू भर रहे होंगे उसके पास तो कंपलसरी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको नहीं पे टिक करना है। अगर पुराने कैंडिडेट है, अगर है आपके पास पुराना हो चुका है तो आपको यस करना है, वरना जो न्यू बना रहे हैं आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, आप मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे चूज करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आता है अभिवादन, यानी कि यहाँ पे आपको चूज करना है आप जो भी नाम के आगे लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, इधर जितना भी आप भरेंगे इंग्लिश में और इधर जितना भी आप भरेंगे हिंदी में, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे होंगे तो जैसे ही आप अपना नाम लिख करके स्पेस मारेंगे तो इधर जो है हिंदी में लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद अपना आता है डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ से जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो है कितना डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड आपको कंपलसरी है, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं वरना नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप डालेंगे आधार कार्ड तो एक ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी वो वेरीफाई होगा। देखिए ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी रेड कलर का है ना, इसको भरना आपको अनिवार्य है इस वाले स्टेप को, ठीक है। और जो भी रेड कलर से नहीं है यानी स्टार नहीं है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेट। तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा स्टेट है। फिर उसके बाद आता है जिला। तो यहाँ पे जो आपको अपना जिला चूज करना है कि आपका जो कौन सा जिला है, ठीक है। जिला जब आप अपना चूज कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट, फिर आएगा अनुमंडल, आपका जो सब डिवीजन कहाँ पड़ता है, तो जो भी पड़ता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रखंड सह अंचल यानी कि ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो जितने भी ब्लॉक रहेंगे आपके जिला में यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप अपने अनुसार से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि हमारा कौन सा ब्लॉक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला। अगर आप नगर परिषद से हैं तो आपका मोहल्ला में पड़ता होगा घर, अगर आप विलेज से हैं तो फिर तो आपका विलेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अपना लिख देंगे अपना मोहल्ला या विलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर लिखना, अगर नगर परिषद से है तो वार्ड नंबर लिखना, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जिसमें भी स्टार रहेगा रेड स्टार, उसको आपको भरना अनिवार्य है। फिर आता है अपना पुलिस स्टेशन यानी थाना, आपका जो कौन सा यहाँ पे थाना पड़ता है, जो भी थाना पड़ेगा आप यहाँ से सर्च मार के वहाँ पे क्लिक करके भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर, सर्किल नंबर, ये सब आपको छोड़ देना है। एक यहाँ पे बच जाता है अपना डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस चाहे तो आप भर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कंपलसरी भरना ही भरना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेड स्टार लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे बोल रहा है आपको पिन कोड डालने के लिए, चाहे तो आप डाल सकते हैं वरना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है स्थानीय निकाय का प्रकार, आपका जो एरिया है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है या नगर निगम में आता है या नगर पंचायत के अंतर्गत आता है या फिर नगर परिषद के अंतर्गत आता है। तो जिसमें भी आता है आप चूज कर लेंगे, जैसे मेरा नगर परिषद में आता है तो हमने नगर परिषद को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे अपना नगर परिषद का नाम लिखना है कि आपके किले में कितने जो है नगर परिषद है, तो यहाँ से आप अपना जो नगर परिषद चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप एड्रेस भर रहे थे ये आपका मेन एड्रेस था, ठीक है, जो कि यहाँ परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका होम टाउन है, ठीक है। फिर आता है नीचे में टेम्प्रोरी एड्रेस यानी कि अस्थायी पता। अगर टेम्प्रोरी एड्रेस आपका सेम है होम एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस, तो आप ऊपर जैसा क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो जो भी एड्रेस आप ऊपर भरेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपना आता है आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है धर्म यानी कि रिलीजन, आपको जो अपना रिलीजन डालना है, आप हिंदू धर्म से हैं कौन सा है, यहाँ पे आप अपना जो है धर्म चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आता है कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। फिर कैटेगरी आप चूज कर लेंगे, तो यहाँ पे आता है कास्ट, आपका जाति क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आ जाएगा कादर, कोरा, कुरु, खटवा, खतौरी, कंगर, कोयरी, बड़ी, कुशवाहा, इस तरह से जो है यादव सारा आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो है चूज कर लेंगे कि आपका जाति कौन सा है। जैसे ही जाति चूज कर लेंगे ना, तो इधर आपका जाति का नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आता है सब कास्ट, देखिए सब कास्ट आप चाहें तो भर भी सकते हैं वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है पेशा, ऑक्यूपेशन, आपका क्या है, आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मारेंगे, अगर आप किसान है तो किसान अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे फादर्स नेम, और इधर आता है अपना मदर्स नेम, ठीक है, और इधर हिंदी में, ठीक है, और इधर इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आता है ईमेल आईडी एक, और एक आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको जो है एक मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको 12 नंबर में अभिभावक पिता पति की स्थिति, तो ये आपको छोड़ देना, ये पूरा आपको छोड़ देना, ठीक है। बस लास्ट में आपको आना है और एक कॉलम आपको भर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कि रेड स्टार आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में थोड़ा नीचे करता हूँ, वार्षिक आय, ठीक है। तो कृषि से आए, व्यवसाय से आए, नौकरी से आए, पेशा से आए, जिससे भी आपका आय होता है, जिससे भी आपका इनकम होता है, ठीक है, जितना भी होता है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, उसमें लिखा होगा कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट इतना है वार्षिक का, तो वही इनकम सर्टिफिकेट जितना भी होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ऐसे तो टोटल 98,000 रुपये बनता है इनकम सर्टिफिकेट, तो
तो यहाँ पर भी आपको 98,000 डाल देना, कंपलसरी सबका यही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा वार्षिक आय, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या आप कर भुगतान करते हैं, मतलब आप इनकम टैक्स देते हैं, तो आपको नो कर देना है, ठीक है। जब आप नो कर देंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ का काम हो गया सारा कुछ खत्म। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको अपलोड करना ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म तो पहले से यहाँ पे टिक लगा हुआ, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, तो शपथ पत्र हम आपको बताते हैं कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है बिहार एनसीएल कैंडिडेट शपथ पत्र डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पे जांच करें। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड आएगा, उसको बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आपके सामने में शपथ पत्र आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस शपथ पत्र को आपको कैसे भरना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा है मैं, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, पुत्र या पुत्री जो भी होंगे आप टिक कर लेंगे। श्री अपना जो है फादर्स का नाम, अपने पिता का नाम लिखेंगे। निवासी ग्राम कस्बा शहर, जिससे भी आप आते हैं उसमें टिक कर लेंगे। फिर उसका नाम लिखेंगे, अपना मोहल्ला का या कस्बा का या ग्राम का। फिर अपना पोस्ट लिखेंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस। फिर उसके बाद अपना थाना, अपना प्रखंड, अपना जिला, अपना राज्य, ठीक है। फिर उसके बाद एदत द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं, फिर से यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। समुदाय की हूँ जो कि, ये सब अपना जो है देख लेना है, बाकी इतना ही आपको भरना था, ठीक है। और इतना भर देने के बाद यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको साइन कर देना है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ये चार जो ऊपर से दिख रहा है चारों में आपको टिक कर देना है। एक हो गया आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आवासीय जातीय और आय, एक शपथ पत्र। तो शपथ पत्र मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आपको भरना है, बिल्कुल ही सिंपल था, आप समझ गए होंगे। उसके बाद सारा कुछ भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा कैप्चा, ये वाला जो भी कैप्चा आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाल करके आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने में जितने भी आप डिटेल भरे हैं ये आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिला लेना है, ठीक है। और जब सारा डिटेल आप मिला लेंगे तो उसके बाद आपको अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट में, ठीक है, क्या क्या था, तो एक था इनकम सर्टिफिकेट, जो कि देख सकते हैं आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है सभी को, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एक ये वाला जो फर्स्ट वाला आवेदन का शपथ पत्र, जो कि मैंने ये वाला आपको भरने के लिए बोला था, ठीक है। फिर जब आप इसको भर करके यहाँ पे साइन वगैरह कर देंगे, फिर वही आपको फोटो लेकर के यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, आपको जहाँ भी आप रखे होंगे यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से रेसिडेंशियल भी अपलोड कर देना है, इसी तरीके से अपना इनकम सर्टिफिकेट भी, और यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी। एक लास्ट में मैंने बोला था आपको कि डॉक्यूमेंट लगेगा आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप पैन कार्ड या मनरेगा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड चूज कीजिए। उसके बाद चलिए मैं फटाफट से जो सभी का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे करके। तो फ्रेंड्स सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे देखिए एक और भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आपका डिजी लॉकर में सारा डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, तो यहाँ पे डिजी लॉकर एक जो है खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना, लॉग इन कर लेना अपना डाल करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर देंगे तो आपको सेव एनेक्सचर पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। जैसे आप सेव एनेक्सचर पर क्लिक करेंगे तो फाइनल यहां से आपका जो सबमिट हो जाएगा, और ये रहेगा आपका रिसीविंग, ठीक है। और यहां से बस आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट कर देंगे सारा कुछ चेक करके, तो फाइनल जो आपका आवेदन हो चुका है, और देखिए आपके सामने में ही अभी जो इसका रिसीविंग निकल करके आ जाएगा। देखिए आपके सामने में अभी मैंने लाइव प्रूफ सारा कुछ मैंने आपको भर करके दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरा जो है रिसीविंग भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए आवेदन की तिथि दे रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑनलाइन किया हूँ। और फ्रेंड जिस दिन बन करके आएगा आपका एनसीएल, यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, उसका भी डेट दे दिया है 17/8/2023, यानी कि 21 दिन का समय लेता है इसको बनने में, ठीक है। और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लेना है, कहीं भी आप सेव कर लेंगे अपना कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स मैंने सारा जानकारी आपको बताया कि आप जो किस प्रकार जो एक एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं अपने आप घर बैठे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बिहार सरकार वाला, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है इसके अलावा वीडियो में, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको जो रिप्लाई एक बार दूंगा। और अगर आप चाहें तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा होगा तो। अगर आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और फ्रेंड्स शपथ पत्र आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, शपथ पत्र
डाउनलोड के नाम से होगा। और यहाँ पे आना है आपको इस वाले वेबसाइट पे, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जैसे ही आप कर लेंगे वेबसाइट को, तब जो है आपको नीचे में लिंक ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ जांच करे पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ये सॉरी PDF खुल करके आ जाएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए हम मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में। और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियो ला सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। और एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।